बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम नवाज़ और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी। पूरी दुनिया में बारिशें होती है, पाकिस्तान में भी होती है, अफ्रीका में भी होती है, इवन के सहरा में भी बारिश हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बारिश एक कुदरती अमल है, बरसात के मौसम में होती है, बारिश पूछ कर नहीं आती, सर्दियों में भी आ जाती है, गर्मी में भी आ जाती है, कभी ज़्यादा बारिश होती है, कभी कम बारिश होती है। बारिश के हवाले से दुनिया भर में बहुत ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसीज़, बहुत ज़बरदस्त किस्म की मैनेजमेंट की जाती है वहाँ पर। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की, बात अगर की जाए तो बांग्लादेश में बारिश की एवरेज जो है वो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर जब बारिश की जाती है, कुछ पर्सनली मेरे फादर वहाँ पर एक दो बार विज़िट कर चुके हैं, मेरे कुछ और लोग जानने वाले वहाँ पर बताते हैं, जो व्लॉगर्स हैं ट्रैवल के वो बताते हैं, बारिश के दिनों में वहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा बारिश होती है, लेकिन उसके बाद जब आप मौसम देखते हैं, बाहर सड़क देखते हैं, रोड देखते हैं, वहाँ पर पता ही नहीं लगता कि यहाँ पर बारिश कभी हुई है या नहीं हुई। बाद जो छोटे इलाके हैं वहाँ पर फिर भी पता लग जाता है, सड़क गीली होती है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ड्रेनिंग सिस्टम जो है, वेस्टेज का सिस्टम, वाटर सिस्टम जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनाया हुआ है। पीपल्स पार्टी 40 साल से तकरीबन हमारे पाकिस्तान के अंदर है। दो दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म बनी, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एक बार वज़ीर आज़म बने, उसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो सदर पाकिस्तान बने। कमोबेश तकरीबन 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध पर हुकूमत कर रही है, लेकिन अभी तक बारिश के हवाले से कोई किसी किस्म की प्लानिंग नहीं की गई। अभी कुछ दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी है, मैं इस वक्त लाहौर में बैठा हुआ हूँ, लाहौर की वीडियोज़ भी आप लोगों ने देख ली है, कराची की क्या सूरत हाल है वो भी आप लोग देख चुके हैं। देखकर अफसोस भी होता है, हंसी भी आती है, लोग लतीफ़े बना रहे हैं, मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन कराची के अंदर जो रहायशी है, जो छोटे इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही है उनकी भी वीडियोस कुछ सामने आई हैं। कारोबार तबाह हो चुका है, कोरोना तो कोरोना, उसके ऊपर बारिश, फिर जब बारिश आई तो बारिश के क्या हालात किए वहाँ पर आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब ये इन जमहूरी जो जमात है, लिबरल जो जमात है, जो तरक्की पसंद जमात है, और ये वो जमात है जो आए आए दिन इमरान खान पर और उस्मान बुज़दार पर तनकीद करते हैं, और उस्मान बुज़दार का पंजाब और लाहौर कैसा है, मुराद अली शाह, आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी और इनका जनाब ये कराची और सिंध कैसा है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा कि शर्म का मकाम ही है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, मुराद अली शाह के लिए, सईद गनी के लिए, मुर्तज़ा वहाब के लिए, आसिफ अली जरदारी के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये इस बारिश को, इस अजाब को, जो बारिश थी जो अजाब बन चुकी है अब कराची के लोगों के लिए, इसको अब ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, मीडिया पर आकर डिफेंड करेंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तान के मीडिया की, पाकिस्तान के तमाम सीनियर तरीन अरबपति एंकर्स की, वो इस हवाले से तकरीबन खामोश है। खामोशी की वजह क्या हो सकती है ये बिल्कुल अभी तक इस बारे में पता नहीं चल सका, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त मीडिया खामोश है। लेकिन खुदा ना खास्ता इस किस्म की सूरत हाल KPK में या पंजाब में होती तो उस्मान बुज़दार और इमरान खान के ख़िलाफ़ किस किस्म की कंपेन चलाई जाती, बिलावल भुट्टो की लंबी लंबी दो दो घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें ना पता चलता है कि ये उर्दू बोल रहे हैं, अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, सिंधी बोल रहे हैं, और फिर जब वो कहते हैं कि बारिश आटा है तो पानी आटा है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आटा है, बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, यानी कि इस वक्त ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाया जा रहा है और ये लोग इसको एक लतीफ़ा बना के पेश करें, हालांकि ये लतीफ़ा नहीं है, ये अफसोस का मकाम है, शर्म का मकाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, सिंध हुकूमत के लिए, सिंध की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और उस जमहूरियत के लिए जो कि 12 साल मुसलसल हुकूमत करने के बाद एक पानी को रोक नहीं सकी। तो आगे आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।